शिवनी जिले के बंडोल पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। बंडोल पुलिस ने बंडोल शराब दुकान के पास से विदिशा सिरोंज निवासी दो आरोपियों को एक 335 ग्राम की सोने जैसी धातु की बिस्किट बेचने की फिराक में भागते हुए गिरफ्तार किया है। 14 फरवरी की रात्रि में अमरवाड़ा के निवासी बाल गोविंद पिता दयाली प्रसाद वर्मा उम्र 33 साल ने आकर बंडोल थाना आकर रिपोर्ट किया है कि उसे कुआं की खुदाई करने वाले विदिशा सिरोंज निवासी दो लड़के जिनकी उम्र करीब 35 और 20 साल की है, उन्होंने बंडोल बाजार में दो दिन पूर्व बताया कि एक सोने की बिस्किट उन्हें कुआं खुदाई में मिली है। उन्हें पैसे की आवश्यकता है इसलिए सोने की बिस्किट को बेच रहे हैं जो करीब 325 ग्राम की है, जिसे 8 लाख रुपए में दे देंगे। सौदा तय हुआ और बाल गोविंद ने लड़के को 2000 रुपए एडवांस बतौर दे दिया और बाकी पैसे देने पर माल देने की बात हुई थी और बाल गोविंद ने बिस्किट की फोटो अपने मोबाइल के कैमरे में ले लिया था, जो फोटो अपने साथियों को दिखाया और सोने की बिस्किट के सौदे के बारे में चर्चा किया तो उनके साथियों ने बताया कि यह देखने में नकली लग रहा है, इतना सस्ता सोना कोई क्यों बेचेगा। बाल गोविंद की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी दिलीप पंचेश्वर ने तुरंत कार्यवाही कर दोनों आरोपियों से सोने जैसी धातु की एक 325 ग्राम की बिस्किट एवं बटनदार चाकू घटना में प्रयोग किया मोटरसाइकिल होंडा एसपी साइन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर माननीय न्यायालय शिवनी भेजा गया है। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।